दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी काव्य के सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों को लेकर के आ गया हूं, जो 22 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर ही दिखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, भले ही आप हिंदी काव्य नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मैं एक एक पद्यांश आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको समझना है और 10 अंक पूरा आपको मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक पद्यांश को आपको बताते हैं। भले ही आपको साहित्यिक हिंदी पढ़ना है या फिर सामान्य हिंदी पढ़ना है, ये दोनों हिंदियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और आपको अच्छे से एक एक पद्यांश समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है आप सभी के सामने, लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तप्त तो भूतांगना को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इन प्रश्नों का हल हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसकी व्याख्या आती रहेगी। तो व्याख्या चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, लज्जा शीला का मतलब ये होता है शर्मीली, लज्जाशील होता तो इसका मतलब ये होता शर्मीला, और लज्जाशील है तो इसकी मतलब क्या है, शर्मीली। पथिक माने राहगीर, महिला माने स्त्री, जो माने यदि, कहीं माने कहीं पर भी दृष्टि आए माने दिखाई दे। ये पवन दूतिका चैप्टर का है, जिसके रचयिता है वो क्या बोलते हैं उनको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, है ना। तो यहीं पे राधा जो है पवन यानी हवा को क्या कहती है कि हे हवा, हे वायु, जब तू जाएगी वहाँ पे ना भगवान श्री कृष्ण के पास, तो अगर तुझे रास्ते में कहीं पर भी कोई शर्मीली स्त्री दिखाई दे ना, तो होने देना विकृत वसना। विकृत, विकृत माने बिखरे हुए इधर उधर, वसना माने वस्त्र, यानी जिसके वस्त्र कायदे से ना पहने हो, इधर उधर मतलब कायदे से जो कपड़े ना धारण किए हो, उसको कहते हैं विकृत वसना। तो न तो माने तो, ना माने नहीं, तो माने तुम, सुंदरी को माने स्त्री को, यानी अगर कोई शर्मीली स्त्री जो नवयुवती हो अभी की, अगर वो तुम्हें रास्ते में कहीं पर भी दिखाई दे, तो होने देना ना, यहाँ से देखो होने देना लो और ना यहाँ से लो, ठीक है ना, यानी तुम उसको होने मत देना। विकृत वसना माने उसके कपड़ों को इधर उधर मत बिखरने देना, यानी वहाँ पे तुम अपनी स्पीड को धीमा कर लेना, ऐसा मत करना कि इतना तेज चलना कि उसके जो है वस्त्र इधर उधर बिखर जाएं, है ना। उस सुंदरी स्त्री के तुम वस्त्र इधर उधर मत बिखरने देना, जो थोड़ी भी श्रमित तो वह हो, यदि वह तनिक भी श्रमित माने थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको तुम अपने गोद में ले करके उसकी श्रांति माने थकावट को खोना माने दूर कर देना। श्रांति माने थकावट को खोना माने दूर कर देना, और होठों की, होठों की माने उसके होठों की, और कमल मुख की माने कमल के समान मुख जो उसका होगा, उसकी म्लानताएं, म्लानताएं माने मलिनता को, यानी जो मुरझापन है उसके मन में, यानी अगर उसका मन सूखा हुआ हो तो उसको क्या कर देना, दूर कर देना, मिटा देना, उसके मन की मलिनताओं को दूर कर देना और उसको सुंदर बना देना। ठीक है, यहीं पे अगला देखिएगा, फिर आगे कहती हैं कि हे पवन, जब तू रास्ते में जाएगी तो कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कुछ कोई जो है तुझको क्लांता माने थकी हुई, कृषक माने किसान की, ललना माने पत्नी, यानी किसान की पत्नी, अगर कोई किसान की पत्नी तुझको खेत में दिखाई देना, तो धीरे धीरे परस कर, परस माने स्पर्श करके, उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना, अर्थात उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, जाता माने जा रहा हो, कोई माने कोई भी, जलद माने बादल, यदि हो व्योम, व्योम माने आकाश में, यानी यदि आकाश में कोई भी बादल जा रहा हो, तो उसको ला करके तू छाया द्वारा सुखित करना, यानी उस बादल की छाया से उस स्त्री को सुखित करना, अर्थात सुख देना। और तप्त भूतांगना को, तप्त माने तपी हुई, यानी कि भूतांगना किसको कहा जाता है, मेहनत करके थकी हुई स्त्री को, ठीक है ना, यानी उस किसान की पत्नी को तू उस बादल की छाया द्वारा सुख प्रदान करना। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ प्रश्न है, जैसे दिया गया है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कविता का नाम है पवन दूतिका और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती। देखिए मैं बता दूं, पद्यांश जो आएगा उसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, तो 10 अंक आपको मिलेंगे। यानी राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, तो यह व्यवहार करने के लिए कहती हैं कि जो है तू किसी का जो है, जैसे अगर कोई नवयुवती मिले तो उसके वस्त्रों को मत बिखेर देना, यानी धीरी रफ्तार से जाना, ठीक है। और कोई भी अगर किसान की स्त्री मिले तो उसको क्या करना, उसकी थकावट को दूर करना, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो है उपकार करने के लिए कहती है ना, किसी को कोई नुकसान मत पहुँचाना, कुल मिला के ये कहती हैं। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि क्लांता यानी कृषक ललना का भी चित्रण यहाँ पे हुआ है, और यहीं पे कृषक ललना का मतलब ये है किसान की पत्नी का, और बादल द्वारा उस स्त्री को है, और यहाँ पे लज्जाशील स्त्री का भी चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पवन को जो है, यानी राधा द्वारा पवन को समझाने का वर्णन किया है कि अलग अलग स्त्री यानी अलग अलग पथिक अगर आपको रास्ते में मिलते हैं, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे कोई विशेष अलंकार आपको नहीं मिल रहा,
थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है ना, तो रूपक और अनुप्रास आप लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे एग्जाम में आपको यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश दिया गया है, तो केवल इतने की व्याख्या लिखना है। अब मान लो एग्जाम में आपको कहीं यहाँ से रेखांकित अंश दे दिया, तो आपको यहाँ पर व्याख्या लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बता दिया है कि कहीं से भी रेखांकित अंश देगा तो आप लिख लेंगे। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है तो सबसे पहले लिख देंगे, कवि कहते हैं कि राधा पवन को समझाती है कि अगर तू रास्ते में जाएगी तो वहाँ पे अगर तू उसको कहीं भी कोई स्त्री मिलेगी तो उसके वस्त्रों को इधर उधर मत बिखेरना, अर्थात धीमी रफ्तार से जाना। ओके, यही व्याख्या हो जाएगी। वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती है, तो यहाँ पे देख सकते हो लज्जाशीला महिला के लिए ये कहती है कि हे पवन, जब तुझे कोई लज्जाशीला महिला रास्ते में मिले तो उसके वस्त्रों को इधर उधर मत बिखेरना, यही चीज़ बोली है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने 7-8 प्रश्न लिया है ताकि एग्जाम में आपके इन्हीं में से कोई ना कोई 5 प्रश्न आ जाएं। ओके, आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। राधा कृष्ण ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है, तो यहाँ पर अभी आप देखे हो समझाती हैं कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कोई बादल तुम ले आना है ना, और उसके ऊपर उसको स्थगित कर देना जिससे उसको छाया मिलेगी और उस तप्त भूतांगना की जो सारी थकावट है वो दूर हो जाएगी, यही चीज़ समझाती हैं है ना। व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो व्योम माने क्या होता है, आकाश होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। व्योम माने आकाश और भूतांगना माने होता है किसान की थकी हुई स्त्री, मेहनत करके थकी हुई स्त्री, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखिए अगला, इस चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पूरे चैप्टर के लेकर के आया हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो वन शॉट है देखते जाइए, आपकी पूरा हिंदी काव्य आपका पूरा मैं खत्म करके आज की इस वीडियो में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए अगला, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे देखना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये उसी चैप्टर का है, यानी पवन दूतिका का ही लिया गया है, ध्यान देना। पवन दूतिका और इसके राइटर या फिर कह लो पोएट हैं कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यहाँ पे राधा उस हवा से बताती है यानी पवन से बताती है कि मेरे प्यारे यानी प्रियतम, नव माने नए नए, जलद माने बादल के समान, कंज माने कमल के समान, नेत्र माने नयन वाले हैं, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं मेरे प्रियतम जो हैं वो बादल के समान रंग वाले हैं, अर्थात जिस प्रकार बादल श्यामल रंग का होता है ऐसे ही वो श्यामल रंग के हैं, और कमल के समान नेत्र वाले हैं, ठीक है। और वो जब से गए हैं मधुबन, जब से वो मथुरा गए हैं ना, तब से उन्होंने कोई भी संदेश भी नहीं भेजा और ना आए हैं, यानी अभी तक वहाँ से आए भी नहीं हैं। मैं रो रो करके उनके विरह से यानी उनके वियोग में मैं रो रो करके पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, और हे पवन तू जा करके मेरी ये सारी दुख की कथाएँ जो हैं श्याम को सुना दे, अर्थात श्री कृष्ण को सुना दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाना चाहती है, तो पवन के द्वारा यानी वायु के द्वारा, ठीक है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो बादल के समान श्यामल हैं वो और उनके नेत्र कमल के समान है, बस इतना आपको लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना है, मैं अभी पूरे की व्याख्या आपको बता दिया हूँ, बस सबसे पहले लिखना, कवि कहते हैं कि राधा पवन को समझाती हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो हैं वो बादल के समान श्यामल रंग के हैं और उनके नेत्र कमल के समान हैं, और वो जब से गए हैं वहाँ से वापस नहीं आए हैं। राधा की मनोदशा कैसी हो गई है, तो वो श्री कृष्ण के वियोग में बावली हो रही हैं यानी पागल हो रही हैं। अगला देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो अभी मैंने बताया पवन दूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे देखिए है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी वो सिखाती है वायु को कि तू किस तरीके से मेरी दशा को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करेगी, यानी अलग अलग तरीके बताती है कि इन तरीकों की मदद से तू श्री कृष्ण को बताना कि राधा आपके बिना बहुत ज़्यादा बेहाल हैं, है ना। तो यहाँ पे बताती हैं कि अगर कोई सूखी जाती यानी सूखती हुई मलिन माने एकदम मुरझाई हुई, लतिका माने लता, ठीक है, लता, अगर कोई सूखती हुई या मुरझाई हुई लता पृथ्वी में पड़ी हुई हो वहाँ पर, तो पाँव के निकट उसको यानी उसको उठा लेना वहाँ से और श्री कृष्ण के निकट उसको ला करके फेंक देना, गिरा देना, ठीक है।
और यों सीधे से प्रकट करना, इस तरीके से तो उनको प्रकट उनके सामने प्रकट कर देगी अर्थात व्यक्त कर देगी कि प्रीति से वंचिता हो यानी प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अतिमलिन यानी राधा का अतिमलिन अर्थात अति कष्टमय होना और सूखते नित्य जाना, यानी जैसे वो लता सूखती जा रही है ना, इससे वहाँ पर प्रकट हो जाएगा कि वैसे ही राधा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बिना मलिन होती जा रही है, मुरझाती जा रही है और प्रतिदिन सूखती जा रही है। ठीक है, इससे तू वहाँ पर व्यक्त कर देगी कि राधा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और श्री कृष्ण समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ वो वायु को समझाती है। कहती है कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो रहा हो, कहते हैं कि कोई भी पत्ता, नवल माने नए नए, तरु माने वृक्ष का, अगर वृक्ष का कोई भी नया पत्ता जो पीला हो रहा हो, पीला होता जा रहा हो, तो उसको तू वहाँ से तोड़ लेना और प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के द्रग युगल माने दोनों नेत्रों के सामने ला उसे, माने उसको ले आना। ठीक है, और धीरे धीरे संभल रखना यानी उसको धीरे धीरे से तू पकड़ के उनके सामने रखना और इससे तो उन्हें ये बता देगी, उन्हें यूँ बताना माने इससे तो उन्हें ये बता देगी कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, यानी कि जैसे प्रोसिता का मतलब क्या है, देखिए प्रोसित शब्द का मतलब होता है प्रवासी, प्रोसित शब्द का मतलब होता है प्रवासी यानी जो बाहर रहता हो, किसी प्रदेश में रहता हो, जैसे अपने देश से हट के कहीं दूसरे जगह रहता हो, तो प्रोसित का मतलब होता है प्रवासी और प्रोसिता का मतलब होता है प्रवासी की पत्नी यानी परदेशी की पत्नी। तो जब किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है तो उसी पत्नी के यहाँ पे वर्णन किया गया है। कहती हैं कि जिस प्रकार एक प्रवासिनी यानी कि एक वियोगिनी स्त्री जो है अपने पति के प्रेम की वजह से पीली हो जाती है ना, वैसे ही मैं तुम्हारे यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम बिना मैं कैसी हो जा रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ प्रबल दुख से यानी बहुत ज़्यादा दुख की वजह से, है ना। इससे तू भगवान श्री कृष्ण के सामने मेरे इस दुख का वर्णन कर देगी, ये चीज़ वहाँ पर राधा समझाती हैं वायु को। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं, कहती हैं कि अगर वो पड़ी हुई हो तो उसको श्री कृष्ण के सामने ला करके गिरा देना। ठीक है, ये चीज़ करने के लिए कहती हैं। सुखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये संदेश देना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के राधा अत्यंत मलिन और सूखती जा रही हैं, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा के क्या अभिप्राय है, इससे राधा का ये अभिप्राय है कि जिस प्रकार से पत्ता पीला होता जा रहा है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के राधा दिन पर दिन पीली होती जा रही हैं अर्थात सूखती जा रही हैं। ठीक है, उपर्युक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करो। तो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित पंक्तियाँ हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है कवि कहते हैं कि राधा पवन को समझाती हैं कि तुम धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, यानी यहाँ से इसकी व्याख्या को पकड़ना होगा कि अगर एक पीला पत्ता लाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने उसको तू पकड़े रखना, इस तरीके से तू उनके सामने उन्हें बता देगी कि राधा जो है आपके प्रेम के बिना दिन प्रदिन प्रबल दुख की वजह से पीली होती जा रही हैं। ठीक है, पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए, तो वही है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपर्युक्त उद्धरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर वियोग श्रृंगार है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार इसमें रस है। ओके, स्थाई भाव का उल्लेख ये चीज़ आप लोग यहीं पर कर देंगे। ठीक है ना, और प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है, प्रोसिता सा का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सा लगा हुआ है ना, तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देना उपमा अलंकार। राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है, राधा जो है सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा यह संदेश दिलाना चाहती है कि जो है राधा जो है अत्यंत मलिन और श्री कृष्ण के प्रेम से सूखती जा रही है ना, लतिका के माध्यम से राधा यही व्यक्त करना चाहती हैं। इस तरीके से ये पद्यांश आपका कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, अगला चैप्टर है आपका कैकेयी का अनुताप, ध्यान देना कैकेयी का अनुताप बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैकेयी का अनुताप। और ध्यान देना, जितने मैं बता रहा हूँ इतने आप कर लोगे तो टेंशन मत लो, 22 फरवरी को आपका 10 अंक यहाँ से बनने वाला है। इसके पोएट हैं मैथिली शरण गुप्त, कौन है, मैथिली शरण गुप्त। देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पद्यांश है जो मैं लेकर के आया हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब यही कहें सब यानी अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विभाता, विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यानी कह के ही भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि अभी तक, अभी माने अभी तक नर देही माने पूरा संसार क्या कहता आता था, यही कहता आता था कि माता न कुमाता, यानी माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अब कहें सभी यह हाय, लेकिन अब सब लोग यही कहेंगे कि हाय विरुद्ध विधाता, यानी भगवान के विरुद्ध
यानी विधाता के विरुद्ध होने लगा। है पुत्र पुत्र ही, लेकिन पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता जो है वो कुमाता बन चुकी है। ठीक है, अब सब लोग यही कहेंगे, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी भगवान श्री राम से कहती हैं कि मैंने भरत का केवल बाह्य मात्र ही देखा, केवल बाहरी शरीर ही देखा, बाहरी व्यवहार ही देखा, मैंने इनका दृढ़ हृदय न देखा। मैंने भरत के हृदय की बात को नहीं पहचाना, इनके हृदय के बारे में मुझे पता नहीं था कि इनका हृदय इतना ज़्यादा अच्छा है, और मृदुल गात्र ही देखा, मैंने केवल इनका कोमल शरीर ही देखा। ठीक है ना, ये मेरी गलती है, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहती हैं कि मैंने दूसरे का उपकार नहीं देखा, परमार्थ नहीं देखा, दूसरे का जो है अच्छा होना यानी परोपकार मैंने नहीं देखा, और पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने केवल अपना ही स्वार्थ साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि इसी वजह से ये बाधा आज बनी हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी कि रघुवंश में भी एक अभागिन रानी थी, एक अभागिन स्त्री थी, वो थी कैकेयी। ठीक है, निज जन्म जन्म में यानी आने वाले प्रत्येक जन्म में प्रत्येक जीव में यही सुनेगा कि उस रानी को धिक्कार था, उसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा दे सकता है, यहाँ से यहाँ तक, या फिर आपको यहाँ से दे सकता है, बस मैंने से लेकर के महास्वार्थ तक, यहाँ से यहाँ तक भी आपके एग्जाम में दे सकता है, बीच से वो कहीं से भी दे सकता है, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अभागिन रानी क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपना परमार्थ नहीं देखा, केवल अपना ही स्वार्थ साधा, इसी वजह से उनको अभागिन रानी कहा गया है। ठीक है, यही चीज़ आप लोग लिख देंगे। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, तो इस पद्यांश में कवि ने रानी यानी कि किसके किसके बीच, कैकेयी और भगवान श्री राम के बीच होने वाले वार्तालाप का वर्णन किया है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो बेसिक अलंकार इसमें आपको मिलेगा, माँ 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 कई जगह पर आवृत्ति हो रही है, ठीक है, काका की भी आवृत्ति हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे अनुप्रास। अनुप्रास तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अनुप्रास तो आपको लिख ही देना है। उसके बाद देखिए रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या मतलब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, दो रेखांकित अंश है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे कवि कहते हैं कि कैकेयी भगवान श्री राम से कहती है कि अभी तक पूरा संसार यही कहता था कि माता कुमाता नहीं हो सकती, चाहे पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो इसके एकदम विरुद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि मैंने परोपकार नहीं देखा, केवल अपना ही स्वार्थ साधा, और इसी वजह से आज ये बाधा बन गई है। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहें जितना बड़ा बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, कटेंगे नहीं। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो कैकेयी और भगवान श्री राम के मध्य। ठीक है, दृढ़ हृदय और मृदुल गात से किसकी ओर संकेत है, तो भरत की ओर संकेत है, ध्यान देना, भरत के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखिए, किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया है, तो कैकेयी को, है ना, कैकेयी को, माता कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया है, ये आपका आंसर हो गया। युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, है ना, जिसने अपना ही स्वार्थ साधा। रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा, यही सुनना पड़ेगा, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को बहुत ज़्यादा स्वार्थ ने घेर लिया था, और उन्होंने स्वार्थ में पढ़ करके अपने ही पुत्र को क्या कर दिया, अपने ही पुत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में राम को वन भेज दिया, है ना। नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, नरदेही शब्द का अर्थ होता है संसार, आप लोग लिख सकते हो या मनुष्य लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और गात्र शब्द का अर्थ आप शरीर लिख देना, ठीक है, गात्र का मतलब शरीर। अब देखिए अगला आप सभी के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ चुका है वीडियो, ध्यान से देखते जाइएगा, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी करते जाइएगा, और गद्यांश पर भी ऐसी वीडियो चाहिए तो अभी ही कमेंट में लिख दो, मैं 22 फरवरी से पहले आपके महत्वपूर्ण गद्यांश भी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा, वह सिंघी अब थी हाँ गोमुखी गंगा, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी न हूँ मैं ता तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। देखो
यहाँ पे कैकेयी भगवान श्री राम से कहती हैं, देखिए सबसे पहले तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बैठी थी अचल, अचल माने होता है स्थिर, यानी जो चल ना रहा हो, यानी जो बिना चले, यानी एक जगह पे जो खड़ा हुआ हो। तो कहती हैं कि रानी कैकेयी जो थी वो स्थिर थी, तथापि माने तब भी उनके मन में असंख्यों तरंगें उठ रही थी, यानी असंख्यों विचार उठ रहे थे उनके मन में, ठीक है। वह सिंघनी के समान रानी अब हाहा हाय गोमुखी गंगा के समान शांत बन चुकी हैं। यानी पहले से रानी कैकेयी जो है कितनी वीर थी, कितनी सिंघनी थी कि उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया, है ना, सिंघनी के समान उन्होंने वर्ताव किया, लेकिन आज वो गोमुखी गंगा के समान एकदम शांत हो गई हैं। और हाँ, और कहती हैं भगवान श्री राम से कि हाँ, जन कर यानी पैदा करके भी मैंने भरत को नहीं जाना, यानी भरत को पैदा करके भी मैंने भरत के व्यवहार को नहीं जान पाई, और सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम अभी आपने ही स्वयं ये बात बोली है, ठीक है ना, और यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर ये बात सही है तो हे राम आप मेरे साथ घर चलिए, अपराधिन मैं हूँ, मैंने गलती किया है, तात माने हे पुत्र मैं तुम्हारी मैया हूँ, मैंने गलती किया, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस चलो, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता माने कमजोरी का विशेष प्रतीक क्या है, कसम है, यानी कोई कसम खा रहा है तो उसकी कमजोरी है, यानी कसम क्या है, एक कमजोरी का विशेष चिन्ह है, विशेष प्रतीक है, परंतु स्त्रियों के लिए इससे बढ़ के कौन सा रास्ता है भाई, स्त्रियां स्वयं को सत्य साबित करने के लिए कसम खाने के अलावा क्या ही कर सकती हैं, है ना, इसलिए स्त्री जन के लिए इससे बढ़कर कौन सा दूसरा रास्ता है। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो राम और कैकेयी के बीच। पाठ का शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप, रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे पहले लिख देंगे, कवि कहते हैं कि किरानी कैकेयी भगवान श्री राम से कहती हैं कि कमजोरी का एक मुख्य प्रतीक क्या है, कसम खाना यानी शपथ है, परंतु स्त्री जाति के लिए इससे बढ़ के कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है स्वयं को सत्य साबित करने का, अर्थात स्वयं को सत्य साबित करने का शपथ खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है, तो यहाँ पे कैकेयी भगवान श्री राम से आग्रह कर रही हैं। सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, सिंघनी का मतलब ये है कि पहले रानी कैकेयी कितनी तेजस्विनी थी, ठीक है, कितना ज़्यादा जो है राजा दशरथ से कितना जो है जिद्द करके, कितनी जिद्दी थी और जिद्द करके वरदान मांगी, और आज गोमुखी गंगा के समान शांत तो हो गई हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है मैथिली शरण गुप्त का गीत चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसमें से दो में से एक तो 100%, ये समझ लो कि 100 में से 80% चांसेस होते हैं इसमें से आने के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-3, 4-4 साल लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे गीत है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही रचित है और साकेत महाकाव्य से ही लिया गया है, ध्यान देना, मुझे फूल मत मारो, यहाँ पे किसका वर्णन है सबसे पहले मैं ये बता दूँ। देखिए जब भगवान राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी चले गए वनवास, तो लक्ष्मण की पत्नी जिनका नाम क्या था, उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी थी जिनका नाम था उर्मिला, उनके वियोग का वर्णन है, यानी उनकी स्थिति क्या हो गई थी उसका यहाँ पर वर्णन है, ध्यान देना, ठीक है। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, ठीक है, समझो। देखो एक एक चीज समझना मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जब है उर्मिला को कामदेव जो है सता रहे थे, ठीक है ना, कामदेव को क्या माना जाता है, सबसे सुंदर देवता माना जाता है, और उनके हाथ में होता है पुष्पों का बाण, यानी कामदेव फूलों का क्या लिए रहते हैं, बाण लिए रहते हैं, फूलों का बाण। तो वहीं पे कहती हैं कि हे कामदेव आप मुझ पर पुष्पों के बाण मत मारिए, फूल मत मारो मतलब मुझ पर पुष्पों के बाण मत मारिए, ठीक है, पुष्पों के बाण से प्रहार मुझ पर मत कीजिए, मैं अबला बाला वियोगिनी, यानी कि मैं अबला स्त्री हूँ, कमजोर स्त्री हूँ, असहाय स्त्री हूँ, बाला माने स्त्री हूँ, और वियोगिनी स्त्री हूँ यानी विरहिणी स्त्री हूँ, ठीक है ना, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करके विचार करो, ठीक है ना। होकर मधु के मीत मदन, मधु माने होता है बसंत ऋतु, यानी तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, यानी क्या कहते हैं, कामदेव को बसंत ऋतु का मित्र माना जाता है, मदन किसको कहा जाता है, कामदेव को ही, कहते हैं कि हे कामदेव आप बसंत ऋतु आ गई है, तो बसंत ऋतु की स्थिति में ही वो क्या है कि उर्मिला की स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है ना, तो कहती हैं कि बसंत ऋतु आ गई है और तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, तो उनके मित्र हो करके पटु तुम कटु गरल नगारो। तो यहाँ पे अलग अलग शब्दों की मीनिंग देखिएगा आप लोग, पटु माने चतुर, ठीक है ना, तुम कटु माने कड़वे हो, ठीक है, तुम कटु माने कड़वे हो, गरल माने एक होता है विष, ठीक है, विष
और यहाँ पे काम रूपी विष लिखेंगे, ठीक है। गारो, गारो माने बरसाओ, बरसाओ, ठीक है, गारो माने बरसाओ। तो यहाँ पे कहती हैं कि तुम बसंत के मित्र हो, हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो और तुम बहुत चतुर हो, परंतु तुम बहुत कड़वे हो, क्योंकि तुम जो है मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, काम रूपी विष की वर्षा कर रहे हो। लेकिन ऐसा मत करो, ना गारो मतलब काम रूपी विष की वर्षा आप मेरे ऊपर मत करो, क्योंकि इससे मुझे विकलता होती है, मुझको व्याकुलता होती है और तुम्हें भी विफलता होती है, यानी तुम्हें इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ठहरो, इसलिए कहती हैं हे कामदेव ठहरो और अपने इस व्यर्थ के श्रम का परिहार करो, यानी इस फालतू की जो आप मेहनत कर रहे हो, मुझे सता रहे हो, इसको आप त्याग दो। परिहारो माने त्यागना, ठीक है, आप इसको त्याग दो, अर्थात मुझे परेशान मत करो हे कामदेव, ठीक है ना। नहीं भोगनी या हमें कोई, भोगनी माने भोग विलास करने वाली स्त्री, यानी कहती है मैं भोग विलास करने वाली कोई स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, मेरे सामने जाल फैलाए हुए पड़े हुए हो, ठीक है ना। इसलिए कहती है कि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ, यदि आपके पास बल हो तो, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो, क्षमता हो तो, सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यानी मेरा ये जो सिंदूर रूपी बिंदु है, ठीक है ना, मेरा ये सिंदूर रूपी बिंदु है जो कि हर नेत्र यानी भगवान शिव जी के नेत्रों के समान है, इसमें देखो, ठीक है ना। रूप दर्प, यदि तुम्हें तुम्हारे रूप का घमंड है, यदि तुम्हें तुम्हारे रूप का घमंड है कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव यदि तुम्हें तुम्हारे रूप का घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो अपने इस रूप को मेरे पति के ऊपर निछावर कर दो, वारो माने निछावर कर दो। और लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति, रति किसको कहा जाता है, कामदेव की पत्नी को, ध्यान देना, कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है। और कहते हैं कि यदि ये तुम्हें घमंड है कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है, तो मेरे इस चरणों की धूल को ले जाओ और अपने उस पत्नी के सिर पर डाल दो, ठीक है, धारो माने धारण कर दो, और हे कामदेव मुझे परेशान मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ। यहाँ पे देखना उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम आपको लिखना है, तो आप लोग उसी में से लिख देंगे गीत और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है, तो यहाँ पे आप लोग देखे हो, अभी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। यह हर नेत्र निहारो और सिंदूर बिंदु को, है ना, सिंदूर बिंदु को, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंदूर बिंदु को। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, 22 फरवरी को 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। देखना यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्घृत है, तो साकेत से लिया गया है, ध्यान देना किससे लिया गया है, साकेत से लिया गया है। अब आगे देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो बसंत का वर्णन है, अभी आप समझे हो, ठीक है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे रेखांकित पंक्ति कहाँ से कहाँ तक है देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो लिख देंगे कवि कहते हैं कि उर्मिला जो है कामदेव को समझाती हुई कहती हैं कि हे कामदेव आप मुझ पर पुष्प के बाणों की वर्षा मत करो, क्योंकि मैं असहाय स्त्री हूँ और वियोग में पड़ी हुई हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो और विचार करो, है ना, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मुझे फूल मत मारो, मैं फूल का क्या तात्पर्य है, फूल का तात्पर्य यह है कि फूलों की बाण, ठीक है, फूलों के बाण, ओके, फूलों के बाण, क्योंकि कामदेव जो हैं फूलों के बाण लिए रहते हैं, धनुष लिए रहते हैं। मदन को मधु का गीत, मधु का मीत, ठीक है, मदन को यानी कामदेव को मधु का मीत क्यों कहा गया, क्योंकि वो बसंत ऋतु के आने पर ही कामदेव जो है परेशान किया करते हैं, यही चीज़ आपको लिखना है, इसी वजह से उनको कामदेव का मीत माना गया, अर्थात मित्र माना गया। सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती है, सिंदूर बिंदु से उर्मिला शिव जी के तीसरे नेत्र को व्यक्त करना चाहती है, ठीक है ना। कवि ने अबला बाला वियोगिनी को किसके लिए प्रयोग किया है, अबला बाला वियोगिनी को कवि ने उर्मिला के लिए, ठीक है ना, उर्मिला के लिए प्रयोग किया है, ध्यान देना, लक्ष्मण की पत्नी के लिए। सिंदूर बिंदु की तुलना किसके साथ की गई है, तो शिव जी के तीसरे नेत्र के साथ, यहाँ पे लिख देंगे शिव जी के तीसरे नेत्र के साथ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चरण धूलि में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, उसी चैप्टर का ये भी है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगातार 5 साल पूछा गया है, ये बात ध्यान करके समझ लीजिएगा अच्छे से, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर उर्मिला जो है श्री कृष्ण के वियोग में पड़ी हुई हैं, सॉरी श्री कृष्ण नहीं, यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, ठीक है ना। उर्मिला जो हैं अपने पति, अपने प्रीतम लक्ष्मण जी के वियोग में पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो भी भगवान श्री राम के संग वनवास चले गए हैं, और उनको याद करती हुई वो क्या कहती हैं, जब वो एक खंजन, ध्यान देना खंजन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, खंजन एक पक्षी है, तो जब वो खंजन पक्षी को देखती हैं तो उनके वो अपने प्रीतम की याद आ जाती है, और फिर वो अपने सखी से अपने दिल की बातें बताने के लिए
अपने सखी को बुलाती हैं और खंजन पक्षी का सहारा लेकर के यानी प्रकृति का सहारा लेकर के वो अपने मन की व्यथाओं का वर्णन करती हैं। कहती हैं कि निरख निरख मन देखो सखी मन सखी, हे सखी हे सहेली देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, यानी खंजन पक्षी फिर से दिखाई देने लगे हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन माने होता है मन को रंजित करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी यानी मेरे प्रियतम ने, ठीक है यहाँ पे ध्यान देना एक स्त्री यहाँ पर वर्णन कर रही है तो आप लोग उसके पति का नाम यहाँ पे कम ही यूज कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान देना उनके लिए प्रियतम आप लोग लिखना। यानी उर्मिला कहती हैं कि मेरे उन प्रियतम और कोष्ठक में लिख देना लक्ष्मण जी ने नयन इधर मन भाए, ठीक है ना, उन्होंने अपने नेत्रों को इधर जो है क्या कर लिया, फेर लिया है, उन्होंने अपने नेत्रों को इधर फेर लिया है तभी ये खंजन पक्षी इधर आए हुए हैं और वो नेत्र उनके जो है मेरे मन को भाए यानी अर्थात सुशोभित कर रहे हैं, मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक है। फैला उनके तन का आतप और पूरे वातावरण में, पूरे वातावरण में उनके शरीर की, तन का माने शरीर की, आतप माने गर्मी या प्रकाश, उनके शरीर का प्रकाश पूरे वातावरण में फैला हुआ है और मन से सर सरसाए जो मेरे मन को क्या कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, ठीक है ना। सर से माने सरसता से, मेरे मन को सरसता से वो प्रसन्न कर रहा है और घूमे हुए इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाए। कहते हैं कि जैसे ही वो वहाँ यानी जंगल में जहाँ वो हैं गए हुए हैं वनवास, तो वहाँ से जैसे ही वो हमारी ओर घूमे ना, वो जैसे ही हमारी ओर घूमे तो इसी वजह से ये हंस जो है यहाँ पर आकर के उड़ के आकर के छाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ध्यान देना वो प्रकृति का सहारा लेकर के अपने मन की व्यथाएं वर्णन कर रही हैं, मेन चीज़ ये आपको ध्यान देना है। अब हंस के सहारे से वो ये बताना चाहती हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं वो हमारे तरफ घूम रहे हैं और जैसे ही घूम रहे हैं तो ये हंस हमारे तरफ उड़ के आए हुए हैं और करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्काए। कहती हैं कि आज वो हम लोगों का याद करके, इस जन का मतलब उर्मिला का, कहती हैं कि वो मेरी याद करके आज मुस्कुराए हैं और इसी वजह से इस सरोवर में फूल उठे हैं कमल, इसी वजह से ये कमल खिले हुए हैं, ठीक है। और अधर से यह बंधुक सुहाए, बंधुक एक प्रकार का पुष्प होता है जो लाल रंग का होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि वो और ये जो बंधुक के पुष्प जो हैं इस तरीके से सुशोभित तो हो रहे हैं जैसे उनके होंठ हों, अधर हों, ध्यान देना, ठीक है, जैसे उनके होंठ हों इस तरीके से ये बंधुक के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। और स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, कहती हैं कि शरद ऋतु, ये शरद ऋतु की यहाँ पर वर्णन है, ध्यान देना शरद ऋतु, तो कहती हैं कि शरद ऋतु का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे शरद ऋतु मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने आज किस्मत से दर्शन पा लिया है अपने प्रियतम का, क्योंकि अगर तुम नहीं आती तो मुझे इतने सुंदर नज़ारे नहीं मिलते और मैंने अपने प्रीतम के दर्शन नहीं पाती, ठीक है ना। नभने मोती वारे, कहती हैं कि नभने ओस रूपी मोती बिखेर दिए हैं, ओस रूपी मोती बिखेर दिए हैं और लो ये अश्रु और ये मेरे आंसू जो हैं अर्घ भर लाए। अर्घ किसको कहते हैं, पूजा का जल, यानी जो पूजा करते समय लोग लेते हैं पानी ना, उसको अर्घ कहा जाता है। तो कहती हैं कि ये मेरे आंसू जो हैं निकल आए हैं और ऐसा लगता है जैसे ये उनके यानी मेरे प्रीतम की पूजा करने के लिए आए हुए हों, ठीक है ना, पूजा करने के लिए ये जल मेरे नेत्रों में आए हुए हैं। तो ये वाला आप लोग वही लिख देंगे, गीत मैथिली शरण गुप्त रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रीतम के शरीर का प्रकाश जो है यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है जिससे मैं उन्हें क्या कर रही हूँ, जिससे मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखना है और इससे मेरा मन सरसता से प्रसन्न हो रहा है। देखिए हंस के उड़कर आने में वियोगिनी का क्या अभिप्राय कर रही है, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी ये अभिप्राय कर रही है कि उनके प्रियतम लक्ष्मण जी जो हैं उनकी ओर घूमे हैं और जैसे ही घूमे हैं हंस यहाँ पे उड़ करके छा गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है, तो लक्ष्मण जी का, ध्यान देना, ठीक है, उनके प्रियतम का, लक्ष्मण जी का। पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है, तो उर्मिला कह रही हैं लक्ष्मण जी के लिए, ध्यान देना, ठीक है, उर्मिला कह रही है अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के लिए। सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है, सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य ये है कि उर्मिला अपने मन की व्यथाओं को उनसे बताना चाहती हैं, ठीक है, और उसी सहारे वो अपने प्रियतम को याद करना चाहती हैं। हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है, हंसों को उनका उड़कर यहाँ आने का कारण ये है कि उनके प्रियतम अर्थात लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा है, ठीक है, लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा है, इसी वजह से हंस उड़ करके आए हुए हैं। प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है, तो निश्चय वे मुस्काए फूल उठे हैं कमल, कमल के खिलने के रूप में देखा गया है, ठीक है। और इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो शरद ऋतु का वर्णन है, ध्यान देना शरद ऋतु का। बंधुक को अधर के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि बंधुक का पुष्प भी गुलाबी होता है और ऐसे ही होंठों का रंग भी हल्का गुलाबी होता है और इसीलिए बंधुक के पुष्प को होंठों के समान माना गया है।
उर्मिला को शरद के अलग अलग रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है? उसके प्रियतम की, अर्थात वो लक्ष्मण जी की। खंजन की उपमा किसके साथ की गई है? तो निरख सखी ये खंजन आए, यानी लक्ष्मण जी के एक प्रतिरूप के साथ की गई है। ओके, ऐसे हो गया आपका ये वाला भी। अब चलते हैं अगले, और यहाँ पे ध्यान देना एक प्रश्न और है अभी नेक्स्ट पेज पे। ये है, उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई है? तो अपने नेत्रों में क्या लाई है? अश्रु यानी आंसू, ठीक है ना, आंसू लाई है अपने नेत्रों में। चलो देखते हैं आगे पेज पे। तो दोस्तों अब आ चुका है आपका श्रद्धा मनु चैप्टर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। श्रद्धा मनु चैप्टर में देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और इसके देखिए रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। तो शीर्षक हो जाएगा श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इससे पहले मैं पूरे की व्याख्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कवि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नील परिधान माने नीले नीले परिधान माने कपड़ों के बीच में कोमल कोमल, सुकुमार माने कोमल कोमल, खुल रहा मृदुल, खुल रहा माने दिखाई दे रहा है, मृदुल माने मुलायम मुलायम, अधखुला माने आधा खुला खुला अंग, यानी श्रद्धा का आधा आधा खुला खुला अंग जो है। क्योंकि देखो कपड़े जो थे उसके मॉडर्न ज़माने के थे, जैसे आजकल के कपड़े क्या होते हैं बीच बीच में भाई क्या होता है, डैमेज कर देते हैं एकदम फैशन के चक्कर में, है ना। तो वही है, कहती हैं कि उसके नीले नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का कोमल कोमल अंग दिखाई दे रहा है, और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे खिला हो ज्यों, ज्यों माने जैसे बिजली का फूल, यानी बिजली रूपी फूल खिल गया हो, जैसे बिजली तड़कती है ना, तो देखते हो कैसे चमकती है, वैसे ही उसको कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली तड़क रही हो, यानी जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही श्रद्धा के वो अधखुले अंग चमक रहे थे, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन माने बादलों के समूह के बीच में, यानी बादल जैसे क्या होते हैं, श्यामल होते हैं, बादल किस कलर के होते हैं, श्यामल होते हैं, और ऐसे ही श्रद्धा के कपड़े क्या हैं, नीले हैं, अर्थात लगभग श्यामल कलर के ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे बादल, बादलों की तुलना श्रद्धा के कपड़ों के साथ की गई है ना, तो कहते हैं कि जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती है ना, तो वैसे ही श्रद्धा के कपड़ों के बीच में जो उसके अधखुले अंग दिख रहे हैं उसको बिजली मान लिया गया। तो कहते हैं वैसे ही कि बादलों के बीच में जो श्रद्धा, जैसे गुलाबी रंग की बिजली चमकती है, वैसे ही श्रद्धा के कपड़ों के बीच में उसका अधखुला अंग दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, ठीक है। ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम, और कहते हैं कि उसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा के आकाश की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब पश्चिम में सूर्यास्त तो होने जाता है ना, तो आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, आकाश जो है किस तरीके से दिखाई देता है, पीलापन छाया रहता है, ऐसे ही कहते हैं उसका मुख जो है पश्चिम के आकाश की भांति दिखाई दे रहा है, और बीच जब घिरते हों घनश्याम, है ना, और जब पश्चिम के आकाश में बादल घिर जाते हैं, घनश्याम माने बादल, ठीक है, श्यामल श्यामल बादल जब घिर जाते हैं, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, तो जब सूर्य की जो, अरुण माने लाल लाल, रवि माने सूर्य, अरुण माने लाल लाल सूर्य जब उस मंडल को भेदता है, यानी बादलों के बीच से जब सूर्य दिखाई देता है, तो उसी दृश्य का दिखाई देता हो छविधाम, तो उस समय जो दृश्य दिखाई देता है ना, वही दृश्य सेम टू सेम उस समय श्रद्धा के चेहरे पर दिख रहा था। ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। देखिए उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है? तो श्रद्धा के रूप का वर्णन है। देखिए बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल से तात्पर्य ये है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है ना, वैसे ही श्रद्धा के कपड़ों के बीच से उसका अधखुला अंग दिख रहा था। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप लोग रूपक अलंकार लिख देंगे और उपमा, ठीक है, ये दो अलंकार भरे पड़े हैं, दो लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो लिख देंगे कवि श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही श्रद्धा के नीले नीले कपड़ों के बीच में उसका सौंदर्य जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बादल के बीच में गुलाबी कलर की बिजली चमक रही हो, ठीक है। अब देखिए अगला, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पत झड़ में अति सुकुमार, घंति मीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा, सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। समझो, कौन हो तुम वसंत के दूत, यहाँ पे कहती हैं, यहाँ पे कौन कहता है, मनु कहते हैं,
मनु कहते हैं किससे श्रद्धा से, ये बहुत डाउटफुल पैसेज है, बहुत डाउटफुल स्टैंजा है, ध्यान देना, बहुत डाउटफुल स्टैंजा है, इसको समझिएगा। यहाँ पे कौन किससे कहता है, सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है। तो यहाँ पे मनु श्रद्धा से कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत। वसंत का दूत किसको कहा जाता है, कोयल को, क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर कोयल कूकने लगती है, इसलिए वसंत का दूत कहा जाता है कोयल को। कहते हैं कि कौन हो तुम कोयल के समान, यहाँ पे मनु श्रद्धा से कहते, क्योंकि श्रद्धा अच्छा गीत गा रही थी, ठीक है ना। तो यहीं पे मनु उसके गीतों को सुनकर प्रसन्न हुए और कहते हैं कि तुम वसंत के दूत के समान अर्थात कोयल के समान आप कौन हैं, बिरस पतझड़ में, बिरस माने एकदम नीरस, यानी जहाँ पे कोई लोग ही ना हो, ठीक है, नीरस हो, यानी इस नीरस पतझड़ में अति सुकुमार माने अत्यंत सुंदर अत्यंत कोमल आप कौन हैं, घन तिमिर में यानी बादलों द्वारा छाए गए अंधकार में, चपला की रेख माने विद्युत की रेखा के समान, यानी बिजली जब चमकती है तो बिजली की रेखा के समान, और तपन में अर्थात गर्मी में शीतल शीतल धीमी धीमी हवा के समान आप कौन हैं, ठीक है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तभी श्रद्धा कहती हैं मिटाता उत्कंठा सविशेष, मिटाते हुए उत्कंठा माने विचारों को सविशेष माने विशेष रूप से, किसके विचारों को मिटाते हुए, मनु के, क्योंकि मनु के मन में अनेकों विचार चल रहे थे कि ये स्त्री कौन है, क्या कर रही है, यहाँ पे कहाँ से आई है ना, क्योंकि दुनिया पूरी उजड़ चुकी थी और उस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। तो दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, तो यहाँ पे कहती है, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वो श्रद्धा जो है मनु को जवाब देती है प्रश्नों का, तो उस समय ऐसे लग रहा था जैसे कोयल जो है, कोकिल माने कोयल जो है, आनंद पूर्वक सुमन को अर्थात पुष्प को एक कोई सुंदर संदेश दे रही हो, ठीक है। अब देखिए पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम, तो मनु, श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या में देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो लिख देंगे कवि कहते हैं कि मनु कहते हैं श्रद्धा से कि आप इस बादलों की घनी छाया में अंधकार में आप बिजली की चमक के समान और गर्मी में चलने वाले शीतल मंद मंद सुख देने वाली हवा के समान हे स्त्री आप कौन है, ठीक है। देखिए पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, तो मनु की, क्योंकि मनु के मन में अनेकों विचार चल रहे थे जिसके विचारों को श्रद्धा ने खत्म किया। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो श्रद्धा और मनु के बीच। ओके अब देखिए अगला, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। समझो देखो उसी चैप्टर के अभी बहुत हैं, दो तीन में कराऊंगा जो बहुत ज्यादा खास हैं। देखो अब यहाँ पर श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए ही जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि श्रद्धा के घुंघराले बाल जो हैं उसके चेहरे के चारों ओर घिरे हुए थे और कंधे तक लटके हुए थे, अंश अवलंबित माने कंधे तक लटके हुए थे और उसके मुख के पास थे, मुख के पास चारों ओर घिरे हुए थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जिसे नीले नीले घन सावक माने छोटे छोटे बादल, ऐसा लग रहा था जैसे नीले नीले छोटे छोटे बादल जो हैं सुकुमार अत्यंत कोमल कोमल सुधा माने अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास गए हुए हों। उसके मुख को क्या मान लिया गया, विधु मान लिया गया, चंद्रमा को मान लिया गया और उसके बाल जो हैं वो श्यामल कलर के हैं तो उसको बादल के टुकड़े मान लिया गया है ना। कहते हैं कि बादल के टुकड़े जो है उसके चेहरे को छू रहे थे, तो वैसे ही कहते हैं उस दृश्य को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे नीले नीले बादल जो हैं चंद्रमा के पास गए हुए हों अमृत को भरने के लिए, और उसके मुख पर वो इतनी अच्छी मुस्कान दिख रही थी कि जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, ठीक है, उसके चेहरे पर वो मुस्कान उसी तरीके से दिख रही थी जैसे रक्त माने लाल लाल, किसलय माने कपोलों पर, कपोल किसको कहा जाता है, जैसे कोई भी पौधा छोटा होता है तो उसके ऊपर की सबसे नई नई नवीन पत्तियां जो होती हैं ना उसको किसलय या कपोल कहा जाता है। तो कहते हैं कि लाल लाल कपोलों पर जिस तरीके से सूर्य की नई नई किरण जो है, अम्लान माने चमकीली, जिस प्रकार सूर्य की नई नई चमकीली किरणें जो हैं अलसाई माने आलस्य पूर्वक, अभिराम माने सुंदरता पूर्वक विश्राम करती हैं, ठीक है ना, उसी तरह श्रद्धा के मुख पर मुस्कान जो है वो विश्राम कर रही थी। यहाँ पे किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन है, तो श्रद्धा की, ध्यान देना। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है, तो आ आ आ आ आपको बार कई बार दिख रहा है तो अनुप्रास आप लोग लिख देंगे, ठीक है। हाँ अम्लान माने चमकीली और अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने सुंदर,
ओके। रेखांकित अंश का भावार्थ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या तो आप लोग लिखेंगे। कवि कहते हैं, श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्रद्धा के चेहरे के चारों तरफ उसके घुंघराले बाल जो हैं उसके कंधे तक लटके हुए थे और मुख को स्पर्श कर रहे थे। ठीक है, और बाकी बढ़ा चढ़ा करके आप लिखना चाहते हो लिख दो। उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक है श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट आप सभी के सामने है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। देखो अब यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे श्रद्धा कहती हैं किससे, मनु से। और जब उस दुनिया में कोई नहीं रह गया, केवल श्रद्धा और मनु थे, और पूरा प्रलय फैल गया था, संपूर्ण जीवधारी संपूर्ण व्यक्तियों का नाश हो चुका था, केवल दो लोग ही बचे थे, तो श्रद्धा कहती हैं कि मेरे इस समर्पण को लो माने स्वीकार करो, सेवा का सार माने आपकी सेवा करने का समर्पण, सेवा का सार माने सेवा करने का समर्पण। श्रद्धा कहती हैं कि हे मनु, मैं आपकी सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर रही हूँ, खुद को समर्पित कर रही हूँ, और इसे तुम लो, इसको स्वीकार करो। ठीक है, और ये जो संसार, संस्कृत माने संसार जो है, सजल माने जल से भरा हुआ है, अर्थात विनाश पूर्वक है, ये पूरा संसार जो विनाश होने वाला है, और ये मेरा समर्पण जो है इस विनाश पूर्वक संसार के लिए पतवार के समान होगा। जैसे कोई नाव जो है पानी में डूबती है तो क्या होता है, पतवार के सहारे उसको संभाला जाता है। पतवार क्या होता है, जिससे नाव आगे पीछे इधर उधर बढ़ती है, जिसको इधर उधर नाव को मैनेज करने के लिए, है ना, नियंत्रित करने के लिए। तो वैसे ही कहते हैं कि मेरा ये समर्पण जो होगा, जो मैं तुमको समर्पित कर रही हूँ, खुद का अपना ये शरीर मैं स्वयं को तुम्हारे ऊपर समर्पित कर रही हूँ, यह इस संसार के लिए पतवार के समान होगा, क्योंकि इस संसार से मानव जाति संपूर्ण नष्ट हो रही है, है ना। आज से यह जीवन उत्सर्ग, क्योंकि आज से मेरा ये जीवन जो है मैं तुम पर उत्सर्ग कर रही हूँ, न्यौछावर कर रही हूँ, मेरा ये पूरा जीवन जो है मैं तुम पर न्यौछावर कर रही हूँ, और इसी पद तल में विगत विकार, और मैं इस तुम्हारे चरणों के तलों में ही विगत विकार मैंने संपूर्ण कार्य करूँगी। ठीक है, और बनो संस्कृत के मूल रहस्य, और कहती हैं कि हे मनु, तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, अब बनो संस्कृत मैंने संसार के मूल रहस्य मैंने सबसे मूल आधार बनो, तुम इस संसार के उपपत्ति करने वाले बनो, यानी इस संसार को फिर से आगे बढ़ाने वाले बनो, इस संसार के रचयिता बनो, तुम्हें से फैलेगी वह बेल, अर्थात संसार में मानव जाति को फिर से वापस लाना है, और ये बेल जो है, मानव जाति रूपी बेला जो है, केवल तुम ही बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि भाई आप मुझसे शादी कीजिए, मैं खुद को आपके ऊपर निछावर कर रही हूँ, ठीक है, और हमारी दोनों की जो संतानें होंगी, इससे दुनिया में फिर से संसार बढ़ेगा, है ना, फिर से मानव जाति की बेल जो है ये आगे बढ़ेगी, और विश्व भर यानी पूरा संसार जो है सौरभ से भर जाए, और उसी मानव रूपी बेला से अर्थात जाति से पूरा संसार जो है सुगंध से भर जाएगा, और सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल का मतलब ये है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे श्रद्धा कहती है मनु से, तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखेंगे, कवि कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि हे मनु, आप इस संसार के मूल आधार बनो, अर्थात संस्कृत संसार के रचयिता बनो, और तुम्ही से ये मानव जाति रूपी बेला जो है आगे बढ़ेगी, और उसी बेला में जो पुष्प खिलेंगे, अर्थात हम लोगों की जो संतानें होंगी, इससे पूरा संसार जो है भर जाएगा, इसलिए तुम मेरे संग शादी करो। ठीक है, यही चीज़ है। श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि संसार जो है नष्ट हो रहा है, और आप चाहो तो इसे बचा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, मानव जाति को फिर से वापस जिंदा कर सकते हो। सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे शादी कीजिए, ठीक है, और हम लोगों की संतानें संसार को आगे बढ़ाएंगी। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वो ये कहती हैं, वो समझाती हैं कि मेरा ये जीवन आपके लिए निछावर है, इसलिए आप इस संसार के मूल आधार बनो। ठीक है, समर्पण लो सेवा का सार किसने कहा है, तो श्रद्धा ने कहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये आपका पार्ट वन था, ध्यान देना। ठीक है, आप सभी को इसका पार्ट टू चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और मैं एक दो दिन के अंदर 22 फरवरी से पहले पहले मैं पार्ट टू आपको दे दूंगा। ठीक है, और इससे आपका 10 अंक आपका कन्फर्म हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।